प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा 5 विषय हिंदी, जिसमें बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक कार्तिकेय, आज हम लोग इसका 7वां पाठ पृथ्वी की प्यास, जो कि एक नाटक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आपके जल्द से जल्द पहुंच जाए। आइए बच्चों शुरू करते हैं नाटक पृथ्वी की प्यास। प्रस्तुत नाटक उन गांवों की तरक्की करने का आभास दिलाता है जो अभी तक अंधविश्वासों और पुरानी रूढ़ियों पर चल रहे हैं। बारात के माध्यम से मिले दहेज ने इस शिक्षा को जन्म दिया है। इस पाठ का उद्देश्य दहेज प्रथा को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि स्वेच्छा से दिए धन की सदुपयोगिता को प्रकट करना है। जानकी जीत की ममता में मां, जीत एक आदर्श ग्रामीण युवक ताऊ, जीत के ताऊ गिरधारी दीवान, जीत की बारात में सम्मिलित होने वाले ग्रामीण ग्राम सेवक अन्नपूर्णा के ग्राम का एक नव युवक अन्नपूर्णा, जीत की नवविवाहिता पत्नी। शाम का समय है, गांव का वातावरण घोंसले में जाते हुए पक्षियों का कलरव। जीत की मां उसे जीत को विवाह करने के लिए कहती है, क्योंकि जीत का विवाह अन्नपूर्णा नाम की एक युवती से तय हो गया। लेकिन जीत माँ से कहता है कि हमारी वैसी आर्थिक स्थिति नहीं, हम बहू को लाकर उसे कष्ट देना नहीं चाहते। लेकिन माँ कहती है कि अब उसकी बूढ़ी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं रह गई है। फिर भी वो एक बार कहती है कि अगर कुछ कमी है, फिर भी मैं 2 वक्त की रोटी किसी भी तरह करके कमा लूंगी। लेकिन जीत इस चीज से तैयार नहीं होती। तभी उसके ताऊ आते हैं, सभी जीत को मना लेते हैं। फिर बारात निकलती है, बारात बड़ा गांव पहुंचती है। वहां पर सभी बारातियों का स्वागत धूमधाम से होता है। उनके स्वागत सत्कार को देखकर जीत के साथ गए सभी बाराती बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें दहेज में अमोनियम सल्फेट, जो कि एक चीनी की तरह खाद होता है, वो मिलता है और गाड़ी में उन्हें ट्रैक्टर दहेज में मिलता है। तो सभी यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि जो हमेशा खेत में काम आए, जिससे खेत की तरक्की हो, हमारी पृथ्वी जिससे सोना उगले, ऐसे धन जिसका उपयोग हो और सही उपयोग हो, यही सच्चा दहेज है। तो ऐसा पाकर सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर जब बारात वापस आती है तो सभी दुल्हन अन्नपूर्णा का स्वागत करते हैं। तो ये है नाटक। इसमें कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं जो आपको अपने बुक में फिल करने हैं और नोटबुक में भी शब्दार्थ के साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।